वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, वहीं शुक्रवार को वार्म अप मैच के साथ क्रिकेट के महामुकाबले का बिगुल भी बज गया। 30 मई से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप से पहले टीमों के लिए बुरी खबर भी आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अलग अलग टीमों के बड़े खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन से लेकर इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन जैसे दमदार खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग कोच संजय बांगड़ उन्हें अभ्यास करा रहे थे, तभी एक शॉर्ट पिच गेंद तेजी से उनके हेलमेट पर जा लगी, जिसके चलते उनके होठों से हल्का सा खून भी निकल आया। इसके बाद वो नेट से बाहर चले गए, उन्हें तुरंत उपचार के लिए भेज दिया गया। खबरों की माने तो फिलहाल वो ठीक हैं। विजय शंकर की चोट। ऑलराउंडर विजय शंकर ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपना दायां हाथ चोटिल करा बैठे। हुआ यूं कि जब शंकर नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी। चोट लगने के बाद उन्हें दर्द से कराते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्हें टीम फिजियो की मदद लेनी पड़ी। चोट लगने के बाद शंकर नेट्स से वापस चले गए। मॉर्गन की चोट। प्रैक्टिस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें एक्सरे के लिए जाना पड़ा। ईसीबी ने बताया है कि इयान मॉर्गन को सुबह में अपनी बाईं तर्जनी उंगली में चोट लगी। एहतियात के तौर पर उन्हें एक्सरे के लिए अभ्यास के बाद अस्पताल ले जा रहे हैं। मोहम्मद शहजाद की चोट। अफगानिस्तान के विकेट कीपर और तूफानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद भी प्रैक्टिस मैच के दौरान घायल हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए अभ्यास मैच में मोहम्मद शहजाद की पैरों की मांसपेशियां खिंच गईं, जिसके बाद वो रिटायर्ड होकर चले गए। अविष्का की चोट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में श्रीलंकाई क्रिकेटर अविष्का चोटिल हो गए हैं। चोटिल होने के बाद तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट को मैदान पर बुलाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद वो काफी दर्द में दिखाई दिए। अविष्का अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। amarujala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।